ज्योति, ये लेक्चर नंबर थर्ड है फ्रॉम द इम्यूनोलॉजी लेक्चर सीरीज, और आज हम बात करने वाले हैं इम्यून सेल्स के फॉर्मेशन के बारे में। इम्यून सेल्स के फॉर्मेशन को हम हिमाटोपोइसिस भी कहते हैं, और यहाँ पर सेल्स तो काम करते ही हैं, साथ ही साथ बहुत से जीन्स भी काम कर रहे होते हैं, तो उन जीन्स के बारे में भी हम बात करेंगे। और इन जीन्स को फिलहाल ही में ऐड किया गया, यानी लेटेस्ट एडिशन जो है इम्यूनोलॉजी की, दैट इज स्कूबी, उसमें ऐड किया गया है। तो आई थॉट कि मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी दूं, तो वीडियो में बने रहिए। और वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ अ इम्यून सेल्स। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ इम्यून सेल्स, आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन के बारे में। सो लेट्स प्रोसीड। ओके, सो दिस इज अ रेफरेंस इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, सो द वर्ड इज हिमाटोपोइसिस। वॉट इज द मीनिंग ऑफ हिमाटोपोइसिस? ठीक है, ये जो वर्ड देख रहे हैं आप, हिमाटोपोइसिस, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ऑल रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स डेवलप फ्रॉम द प्लूरीपोटेंट हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल ड्यूरिंग द हाईली रेगुलेटिव प्रोसेस इज कॉल्ड हिमाटोपोइसिस। तो हिमाटोपोइसिस का मतलब क्या होता है? देखिए, हिमाटोपोइसिस एक प्रोसेस है, ठीक है, ये एक टाइप का प्रोसेस है, इट इज अ टाइप ऑफ द प्रोसेस। और ये इस प्रोसेस में इन्वॉल्व क्या होता है? एक प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल होते हैं। स्टेम सेल आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं छोटा सा क्विक आपको एक रीकैप दे देती हूँ। स्टेम सेल कैसे काम करते हैं, मान लीजिए दिस इज अ स्टेम सेल, ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? जब ये डिवाइड होते हैं, मान लीजिए दिस इज अ स्टेम सेल, जब ये डिवाइड होते हैं तो एक अपने जैसा सेल बनाते हैं और एक ऐसा सेल बनाते हैं जो कि आ भी जाएगा। ये सेल क्या करता है, ये सेल खुद को रीन्यू कर लेता है, इसे बोलते हैं हम रीन्यू कर लेना। तो स्टेम सेल एक्चुअल में क्या होते हैं, ये एक टाइप के अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स वो सेल होते हैं जिनके पास डिवीजन प्रॉपर्टी काफी ज्यादा हाई होती है, लेकिन उसके पास कोई फंक्शन नहीं दिया जाता उनको, ठीक है। वो एक ढंग से आप कह सकते हो एक ऐसे सेल होते हैं जिनको अभी तक उनका फंक्शन नहीं मिला है, बट यस दे आर हैविंग दी हाई डिवीजन कैपेबिलिटी। तो मान लीजिए यहां से एक स्टेम सेल अगर आगे गया और डिवाइड हुआ, और मान लीजिए ये और दोनों के दोनों सेल्स अगर आगे चल के कोई फंक्शनल सेल बना लेते हैं, तो सीधी सी बात है ये जो सेल इनके पॉपुलेशन में से, जो स्टेम सेल है इनके पॉपुलेशन में से निकला, एक सेल तो कम हो जाता, लेकिन अगर ऐसा ही कम होता रहा तो वेरी ऑब्वियस जो स्टेम सेल का पूल होता है, जहां पे बहुत सारे स्टेम सेल पाए जाते हैं, वहां पे स्टेम सेल की कमी होने लगेगी। तो होता यह है कि स्टेम सेल जब आगे चल के डिवाइड होते हैं तो एक जो स्टेम सेल बनता है वो रीन्यू होके वापस से स्टेम सेल पूल में आ जाता है, यानी इसकी जगह जो है इसने ले ली, और जो नेट चेंज हो गया वो कम हो जाता है, मतलब कि संभव हम ये कहते हैं कि कोई लॉस ही नहीं हुआ। और जो दूसरा स्टेम सेल बना है, सेकेंड वाला, ये डॉटर की तरह काम करता है, ठीक है, डॉटर भी कहा जाता है इसको, या फिर सिस्टर स्टेम सेल भी कहा जाता है, ठीक है। ये आगे चल के क्या करता है, डिफरेंशिएट हो जाता है। डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट होने के बाद क्या करता है, डिपेंड करता है कि कौन से एरिया के लिए ये फॉर्म हुआ है, उस एरिया में जाकर अपना ये फंक्शनल मैच्योरिटी ले लेता है। फंक्शनल मैच्योरिटी यानी फंक्शनल भी हो जाता है और मैच्योर भी हो जाता है। तो ये वाला सेल क्या किया, इसने अपनी एक आइडेंटिटी ले लिया, राइट। और जो पहला वाला सेल था उसने क्या आइडेंटिटी ली, नहीं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसको स्टेम सेल पूल को मेंटेन करना था, इसलिए स्टेम सेल के पास रिन्यूअल एक्टिविटी भी होती है, यानी अपने ही पूल को मेंटेन करने की। तो जब एक सेल दो में डिवाइड होता है तो एक वापस चला आता है उसी पॉपुलेशन में, और दूसरा वाला डिफ्रेंसिएशन यानी आगे बढ़ जाता है किसी फंक्शन को गेन करने के लिए। तो स्टेम सेल की प्रॉपर्टी ये होती है। इसी टाइप का एक स्टेम सेल है जिसे हम बोलते हैं हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल। इनकेस अगर आप मेरा मास्टर क्लास देखते हो तो वहां पे मैंने ब्लड फिजियोलॉजी एंड कंपोनेंट पढ़ाया था, वहां पे भी ये टर्म आपको देखने को मिला था कि हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल होते क्या हैं। तो ये एक टाइप के स्टेम सेल होते हैं जो कि ब्लड सेल को ओरिजिन देते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल होते हैं वो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करवाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं स्पेशलाइज्ड, ठीक है, स्पेशलाइज्ड ब्लड सेल का फॉर्मेशन करवाते हैं। अब इस ब्लड सेल में सब कुछ चला आता है, ठीक है, इसमें चले आते हैं आपके ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, इसी में ब्लड प्लाज्मा चला आता है जो कि लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का। नेक्स्ट इसी में ही प्लेटिलेट्स चले आते हैं, इसी में ही WBCs चले आते हैं, और इसी के अंदर ही RBCs चले आते हैं। ओके, तो हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल से ही स्पेशलाइज्ड ब्लड सेल्स बनते हैं जिसमें कि ये सब चीज चला आता है। लेकिन हमने ऑलरेडी ब्लड फिजियोलॉजी बहुत डिटेल में पढ़ा है इन द मास्टर क्लास, अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा है, PTL यानी प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा है, RBC के बारे में पढ़ा है। लेकिन जब आप इम्यूनोलॉजी की बात करते हैं तो हमारा जो एरिया होता है वो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल पे आकर रुक जाता है, क्योंकि जितने भी इम्यून सेल्स हैं वो व्हाइट ब्लड सेल के ओरिजिन के थ्रू फॉर्म होते हैं,
ओके, तो हमारा फोकस एरिया ये वाला हो जाता है। हम इस चीज पे फोकस करेंगे कि ये व्हाइट ब्लड सेल एक्चुअल में क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और कैसे फॉर्म होते हैं। तो यहां से हमारे दो कंसेप्ट क्लियर हो गए। पहला क्या कि ओरिजिन क्या है। ओरिजिन एक टाइप का स्टेम सेल है, यानी जो भी इम्यून सेल्स बनेगा, यानी WBC बनेगा, WBC से ही और बाकी सारे इम्यून सेल्स बनेंगे। तो जो भी इम्यून सेल्स बनेंगे उसका ओरिजिन कौन होगा, दैट इज प्लूरिपोटेंट हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल। सेकेंड, जो प्रोसेस होगा फॉर्मेशन का उसे हम बोलेंगे हिमाटोपोइसिस। ओके, आई होप इट इज क्लियर कि व्हाट इज हिमाटोपोइसिस, व्हाट इज हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल। जैसे मैंने स्टेम सेल की प्रॉपर्टी बताई, वैसे ही हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स भी होते हैं। इसके अलावा एक ऑर्गन आता है जिसे हम मेनली बोलते हैं लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, इसकी अलग से वीडियो आएगी आपके सामने, लेकिन मैं एक छोटा सा आउटलाइनिंग कवर कर देती हूँ, जिसे हम बोलते हैं लिम्फोइड ऑर्गन। देखिए, लिम्फोइड ऑर्गन की कहानी क्या होती है कि ये एक टाइप के स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं। इट इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। ठीक है, ये एक टाइप के स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं और ये टिश्यू क्या करते हैं, एक एरिया एज वेल एज एक नेटवर्क फॉर्म कर सकते हैं। ओके, दे कैन फॉर्म एरिया और नेटवर्क। किस चीज के लिए? फर्स्ट चीज, किसके लिए एरिया या नेटवर्क फॉर्म करते हैं? पहला, फॉर्मेशन ऑफ इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स के फॉर्मेशन के लिए ये एरिया या फिर नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। और सेकंड, उनके एक्टिवेशन के लिए। ओके, एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सेल्स, इसके लिए ये जगह या फिर नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। तो लिम्फोइड ऑर्गन क्या हो गया, ये एक टाइप के ऑर्गन ही है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि बहुत सारे सेल मिलाकर टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। तो लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, लिम्फोइड ऑर्गन एक्चुअल में एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू वाला एरिया है जो कि एक एरिया या नेटवर्क प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो इम्यून सेल्स हैं वो फॉर्म हो सके और साथ ही साथ वो इम्यून सेल्स वहां पर एक्टिवेट हो सके। और इम्यून सेल्स के एक्टिवेट होने का मतलब है, सीधी सी बात, वहां पे किसी पैथोजन ने अटैक किया है। क्योंकि जब तक पैथोजन अटैक नहीं करेगा, इम्यून सेल्स एक्टिव नहीं होंगे। तो इम्यून सेल्स के एक्टिवेट होने का मतलब हो गया, या उनके एक्शन करने का मतलब हो गया कि वो क्या हो गए हैं, वहां पे एक्टिवेट हो गए। तो इसको हम एक्टिवेशन के तौर पर ले सकते हैं, एक्टिवेशन। तो लिम्फोइड ऑर्गन भी क्या करते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक को तो हम कह देते हैं प्राइमरी, दूसरे को हम कह देते हैं सेकेंडरी। लेकिन प्राइमरी एंड सेकेंडरी की डिटेल जो है मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगी। एक हो सकता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, एक हो सकता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, नाम याद रखिएगा, जब दोबारा से डिस्कस करूंगी तो वापस से इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन लिम्फोइड ऑर्गन पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि यस, यानी कोई ऑर्गन है जिसके अंदर ये इम्यून सेल्स फॉर्म हो रहे हैं और साथ ही साथ कोई ऑर्गन ऐसा भी है जिसके अंदर ये एक्टिवेट हो रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि हिमाटोपोइसिस हो रहा है, तो हिमाटोपोइसिस काम हो रहा होगा लिम्फोइड ऑर्गन में हो रहा होगा। तो हमने बात की थी हिमाटोपोइसिस की, हिमाटोपोइसिस की बात की थी, और ये हो कहां रहा होगा, ये लिम्फोइड ऑर्गन में हो रहा होगा। ठीक है, लिम्फोइड ऑर्गन। होप इट इज क्लियर कि क्यों मैंने लिम्फोइड ऑर्गन का आपको कंसेप्ट बताया, क्योंकि वो हिमाटोपोइसिस का एक लोकेशन हो जाता है। ठीक है, ये हो गई कहानी आपके लिम्फोइड ऑर्गन की। तो हम कुछ यहाँ पे एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल की और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ओके, हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल शॉर्टकट में हमने लिख लिया है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये कॉमनली नहीं देखे जाते हैं, इनका नंबर रेयर होता है। ठीक है, यानी इनका नंबर रेयर होता है मेनली कहां पर, बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो में इनका नंबर काफी ज्यादा रेयर होता है। देखा यह जाता है कि मान लीजिए अगर कोई पैथोजन अटैक नहीं है, इफ देयर इज नो पैथोजन, ठीक है, अगर कोई पैथोजन अटैक बॉडी पे नहीं हुआ है, तब ये जो हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं वो क्वेशेंट फेज में पाए जाते हैं। ठीक है, दे विल बी इन दी क्वेशेंट फेज। क्वेशेंट फेज मतलब आप कह सकते हो एक टाइप का इनएक्टिव फेज, जिसमें कि सेल जो है एक ढंग से रेस्टिंग स्टेज में रहता है। साथ ही साथ देखा गया है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म एज्ड हो जाता है, इफ ऑर्गेनिज्म इज एज्ड, मतलब कि जब वो इंसान बूढ़ा हो जाता है या धीरे धीरे जब एजिंग प्रोसेस होती है, तब देखा गया है कि हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल का नंबर धीरे धीरे लो होना शुरू हो जाता है या फिर वो डिक्रीज होने लगता है। ओके, यानी जैसे जैसे इंसान का एज ज्यादा होता जाएगा, हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल का नंबर कम होता जाएगा, और हेंस इसीलिए जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें जल्दी कोई बीमारी लगती है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम ही प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहा है या फिर वैसा काम नहीं कर रहा है जैसे वो पहले काम कर रहा था। क्योंकि हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल अगर काम ही नहीं करेगा तो इम्यून सेल का फॉर्मेशन कौन करवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाता है कि अगर मान लीजिए इफ पैथोजन अगर प्रेजेंट है, तब क्या होगा।
इफ पैथोजन प्रेजेंट, तब ये देखा जाता है कि एचएससी जो है, एचएससी इट स्टार्ट प्रोलिफरेशन, अपना प्रोलिफरेशन शुरू कर देता है, मतलब डिवीजन प्रॉपर्टी शुरू कर देता है। ठीक है, डिवीजन जो होता है वो भी बहुत ज्यादा हाई रेट के साथ शुरू कर देता है, और धीरे धीरे करते करते जैसे ही प्रोलिफरेशन शुरू करता है इसका नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मैं आपको एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट बताती हूँ, जानकर जो है आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। एक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, माइस पे ही एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, देखा ये गया कि एक माइस है, ओके, ये माइस लिया गया, इस माइस को एक लीथल डोज दिया गया। लीथल डोज यानी आप कह सकते हो ये जो लीथल डोज दिया गया था वो था एक्सरे का, ओके, लीथल डोज ऑफ एक्सरे, यानी इस एक्सरे का अमाउंट या इंटेंसिटी इतना ज्यादा था कि वो बॉडी पे एक लेथल यानी डेडली इफेक्ट डालने वाला था। तो जब माइस के ऊपर लेथल डोज दिया गया एक्सरे का, तो देखने को ये मिला कि जो भी इसका हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल का जो भी सिस्टम था वो डिस्ट्रॉय हो गया, सिस्टम डिस्ट्रॉयड, यानी जहां पे हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल काम करते थे, जहां वो प्रेजेंट थे, वो एरिया डिस्ट्रॉय हो गया। और डिस्ट्रॉय होने के बाद इस माइस में देखा गया कि ये माइस जो है इसकी डेथ हो गई, ठीक है, डाई विद इन 10 डेज, इसकी डेथ जो है 10 दिन के अंदर ही हो गई। कैसे, दिमाग लगाइए, वेरी ऑब्वियस, एचएससी जो है, जो इसका सिस्टम एरिया है या फिर जहां पे ये प्रेजेंट रहता है, हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल जहां पे प्रेजेंट रहता है, अगर आप उस एरिया को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो सारे आपने हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब अगर यही डिस्ट्रॉय हो गए तो वेरी ऑब्वियस आने वाला सेल कैसे ओरिजिनेट होगा, यानी आने वाले टाइम में जो भी इम्यून सेल्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, नहीं बन पाएंगे। और इम्यून सेल्स नहीं बनेंगे तो वेरी ऑब्वियस वो जो माइस है किसी ना किसी डिजीज से सफर होके उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या दिया गया है, अगर आप ये जो डिस्ट्रॉयड, मतलब कि ये जो हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया गया था, अगर इसको, ठीक है, अगर इसको इन्फ्यूज कर दिया गया, इफ इन्फ्यूज, अगर इसको इन्फ्यूज कर दिया गया नॉर्मल बोन मैरो से, नॉर्मल बोन मैरो, इन्फ्यूज मतलब कि नॉर्मल बोन मैरो किसमें ऐड कर दिया गया, माइस में, या फिर इन्फ्यूज कर दिया गया। सो इफ इन्फ्यूज नॉर्मल बोन मैरो फ्रॉम जेनेटिकली आइडेंटिकल माइस, फ्रॉम जेनेटिकली आइडेंटिकल माइस, यानी वो माइस इसके साथ काफी ज्यादा जेनेटिकली सिमिलर होना चाहिए। तो जब जेनेटिकली आइडेंटिकल माइस से नॉर्मल बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर दिया गया या फिर इन्फ्यूज कर दिया गया इसी माइस में जिसके एचएससी सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, तो ये माइस ने क्या किया, इट रीस्टोर the hematopoietic stem cell system. इसका hematopoietic stem cell system restore हो गया, यानी वापस से ठीक हो गया, और ये जो mice है वो survive कर गया, mice survive. तो ये दो level पे experiment किया गया था, और अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि एक इंसान के नॉर्मली जीने के लिए भी या एक ऑर्गेनिज्म के नॉर्मली जीने के लिए भी हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल का प्रॉपर ढंग से प्रेजेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर वो प्रेजेंट नहीं रहता है तो इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो होप ये एक्सपेरिमेंट जो है सभी को समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल है एक्चुअल में ये कैसे ओरिजिनेट करता है इम्यून सेल्स को। ठीक है, मेक श्योर ये जो टेबल अभी या फिर ये जो चार्ट में बताने वाली हूँ ये पहली बार मैं नहीं बता रही हूँ, ऑलरेडी मास्टर क्लास में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, जब हमने देखा था कि ब्लड सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल की, तो हमने ब्लड सेल के फॉर्मेशन के केस में देखा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा ब्रॉड था क्योंकि हम ब्लड फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे। यहाँ पे जो हमारा फोकस होगा वो सिर्फ WBC होगा, बाकी सारे नहीं होंगे, लेकिन मैं बना के आपको सब कुछ दिखाऊंगी ताकि आपको एक बेटर ढंग से आइडिया मिल पाए। तो देखिए हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल की जब हम बात करते हैं, तो हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल से पहले तो मैं ब्लड के बेसिस पे चलती हूँ, फिर बाकी सब बेसिस पे चलूंगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल से। हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल से जो हमें ब्लड मिलता है, हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल ही क्या करते हैं, ब्लड का फॉर्मेशन करवाते हैं। और ब्लड में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, ब्लड में हमें देखने को मिलता है ब्लड प्लाज्मा, नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है प्लेटिलेट्स, थर्ड हमें देखने को मिलता है WBC, एंड फोर्थ देखने को मिलता है RBCs। ओके, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है जब हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल से ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, और ब्लड में ही ये सारे के सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, दीज आर दी कंपोनेंट ऑफ ब्लड सेल्स। अब हमारा जो फोकस एरिया है वो है WBC। ठीक है, ये वाला एरिया हमारा फोकस का है, क्यों, क्योंकि सारे के सारे जितने भी इम्यून सेल्स होते हैं, जितने भी इम्यून सेल्स हैं, इम्यून सेल्स,
इम्यून सेल्स कौन से हैं? इम्यून सेल्स वो सेल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। तो अब ये डब्ल्यूबीसी को हम और कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, लेट्स सी। तो इसको कैटेगराइज करने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कि हम इसको और कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो देखिए, डब्ल्यूबीसी में एक कैटेगरी आती है जिसे हम बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि इन सेल्स में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ग्रैन्यूल लाइक वेसिकल प्रेजेंट रहता है, इसलिए हम इसे ग्रैनुलोसाइट्स कहते हैं। अब इन ग्रैनुलोसाइट्स में कौन कौन चला आता है, अगर हम डिस्टिंग्विश करना चाहें तो? इसमें पहले चले आते हैं न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। सेकेंड चले आते हैं बेसोफिल्स, एंड थर्ड चले आते हैं इयोसिनोफिल्स। इनको हम बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। सेकेंड जो डब्ल्यूबीसी का एक और टाइप होता है उसे हम कहते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स, क्योंकि इनके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट। अब इसमें ग्रैन्यूल प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो इसको डिवाइड करने का तरीका क्या हो गया? इसको डिवाइड करने का तरीका हो गया लिम्फोसाइट, इट विल बी लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट आगे चल के टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट होता है, एंड मोनोसाइट आगे चलकर ये मैक्रोफाज या फिर डेंड्राइटिक सेल, जिसे हम शॉर्टकट में डीसी सेल्स कहते हैं, इसपे लाइक इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि डब्ल्यूबीसी कैसे काम करते हैं। मेक श्योर जितना भी हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, जो भी हमने बात किया है इम्यून सिस्टम का, ये वाला एरिया जो हमने बनाया है, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, सिर्फ यही हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। ये जो एरिया मैंने बताया है यही हमारा फोकस एरिया है। अभी तक जो मैंने मास्टर क्लासेस लिया है उसमें मैंने ये इस पे भी फोकस किया, इस पे भी किया, इस पे भी किया, लेकिन अब हमारा फोकस सिर्फ इतना हो गया है जितने को मैंने इस बॉक्स में बंद किया, ठीक है। तो हमारा फोकस वाला एरिया अब ये है, ये है हमारा फोकस एरिया। तो ये मैंने बिल्कुल वैसे ही बना के दिखाया जैसे मैंने आपको मास्टर क्लास में समझाया था, जो कि टीचिंग पाठशाला पे अवेलेबल है। अब इसके साथ हम क्या करते हैं, अब ये समझ में आ गया कि ये सारे सेल्स कहां से आते हैं, तो हम एक बढ़िया वाला अभी फ्लो चार्ट देखेंगे जिसमें कि आपको और भी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी चीज किस में आ रही है और कौन कौन से सेल्स कैसे काम कर रहे हैं। हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो यहीं से ओरिजिनेट हो रहे हैं इम्यून सेल्स। तो होता क्या है एक्चुअल में, हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल दो टाइप के कैटेगरी में डिवाइड होता है, ठीक है, इट विल या फिर आप कह सकते हो डिफरेंशिएट होता है, और साथ ही साथ ये अपना भी पूल मेंटेन करता है सेल्फ रिन्यूअल के थ्रू। तो एक बार जो क्या करता है, ये सेल्फ रिन्यू हो जाता है, सेल्फ रिन्यू हो जाता है। और नेक्स्ट पहला जो जिस टाइप में डिवाइड होता है, दो टाइप के सेल में ये डिवाइड होता है, पहले को हम बोलते हैं माइलॉइड स्टेम सेल, माइलॉइड स्टेम सेल कहते हैं, या फिर हम इसे प्रोजेनाइटर भी कहते हैं, और सेकेंड वाले को हम कहते हैं लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर। अब ये जो यहाँ पर माइलॉइड स्टेम सेल या माइलॉइड स्टेम सेल बोलिए या माइलॉइड प्रोजेनाइटर की कहिए, अब इसमें होता क्या है कि ये जो माइलॉइड है ये एक में डिवाइड होता है जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट जिसमें ये डिवाइड होता है उसे हम कहते हैं प्लेटिलेट्स, और नेक्स्ट थर्ड टाइप में जिसमें डिवाइड होता है उसे हम बोलते हैं माइलोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट। ये माइलोब्लास्ट क्या करता है, आगे चल के डिवाइड हो जाता है ग्रैनुलोसाइट्स में, और ये ग्रैनुलोसाइट्स किस में डिवाइड हो जाते हैं, ये डिवाइड हो जाते हैं न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट होता है बेसोफिल्स, एंड थर्ड इयोसिनोफिल्स। ओके, अब ये तो यहाँ पे डिवीजन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं लिम्फॉइड का क्या केस है। लिम्फॉइड में क्या होता है, लिम्फॉइड जो प्रोजेनाइटर सेल बन है ये किस में डिवाइड हो जाते हैं, ये डिवाइड हो जाते हैं लिम्फोब्लास्ट में, लिम्फोब्लास्ट, ठीक है। अब लिम्फोब्लास्ट से इनका कन्वर्जन हो जाता है बी लिम्फोसाइट में, बी लिम्फोसाइट। सेकेंड हो जाता है टी लिम्फोसाइट, एंड थर्ड हो जाता है नेचुरल किलर सेल, इसको हम एनके सेल्स भी कहते हैं। ये यहाँ पे पूरा डिवीजन हो गया किसका, कि हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल से एक बनता है माइलॉइड सेल और एक बनता है लिम्फोइड सेल, ठीक है। माइलॉइड से तीन टाइप देखने को मिलते हैं, आरबीसी, प्लेटिलेट्स एंड माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट आगे चल के ग्रैनुलोसाइट्स में कन्वर्ट होता है, ग्रैनुलोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स में चेंज होता है। दूसरा जो पोर्शन होता है लिम्फोइड प्रोजेनाइटर का, वो लिम्फोब्लास्ट में कन्वर्ट होता है, लिम्फोब्लास्ट बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल में होता है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो इतना एरिया है, ये वाला पोर्शन, ये वाला सारा का सारा पोर्शन जो है यहां से लेकर पूरा यहां तक, ये कौन सा पोर्शन है, ये पोर्शन है डब्ल्यू बी सी का। एग्री करते हैं आप लोग, राइट। ये जो एरिया है
ये तो आरबीसी हो गया, प्लेटिलेट्स हो गया, लेकिन ये जो इतना एरिया बना के रखा है मैंने, इसको मैं वापस से थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये जो इतना एरिया मैंने बताया ये सारा डब्ल्यूबीसी है। तो अगर हम पुराना पिक्चर देखें तो यहाँ पे हमने डब्ल्यूबीसी को ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स में डिवाइड किया था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हम फिलहाल में देख रहे हैं, और इस ढंग से जो है ये चीजें क्लियर हो गई कि ये काम कैसे कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो माइलोब्लास्ट हमने यहाँ पर फॉर्म होते हुए इसको दिखाया है, लेकिन इसके अलावा माइलोब्लास्ट तो फॉर्म होता ही है, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे मोनोब्लास्ट भी फॉर्म हो सकता है। ठीक है, एक और अगर आप जोड़ना चाहें यहाँ पर, तो यहाँ पर मोनोब्लास्ट भी हो सकता है, मोनोब्लास्ट, और वो मोनोब्लास्ट क्या करेगा आगे चल के मोनोसाइट्स बनाएगा, मोनोसाइट्स, और ये मोनोसाइट्स क्या करेंगे, ये चेंज होंगे आगे चल के टिश्यू स्पेसिफिक बेसिस पे मैक्रोफाज एंड डीसी सेल्स में चेंज होंगे। ठीक है, सब कुछ कंप्लीट हो गया, जितनी बातें हमने यहाँ पे लिखी थी सारी की सारी बातों को हमने यहाँ कवर कर दिया। लेकिन यहाँ पे आपके सामने प्रोजेनाइटर सेल के बारे में आपको पता चला, जिसको कि हम कह रहे हैं लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल एंड माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल। होप इट इज क्लियर कि किस किस में कौन कौन सा डिविजन होता है। अगेन आई एम सेइंग माइलॉइड में आरबीसी, प्लेटलेट्स, माइलोब्लास्ट एंड मोनोब्लास्ट का कैटेगराइजेशन देखा जाता है, एंड लिम्फोइड प्रोजेनाइटर में लिम्फोब्लास्ट जिसमें कि बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल्स चले जाते हैं। ये हो गया सारा का सारा कैटेगराइजेशन। डब्ल्यूबीसी को ही हम यहाँ पे जो है ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, इट इज नोन एज द ल्यूकोसाइट्स। यहाँ पे हमने देखा था कि ग्रैनुलोसाइट्स के तीन टाइप हमने देखे थे, राइट, ग्रैनुलोसाइट्स के तीन टाइप देखे थे हमने, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। और अगर हम देखना चाहें कि यहाँ पे ए ग्रैनुलोसाइट्स कौन कौन से हैं, तो ए ग्रैनुलोसाइट्स के लिए कौन सा पोर्शन होगा, यहां से लेकर यहां तक, राइट, यहां से लेकर यहां तक, ये हो जाएंगे क्या ए ग्रैनुलोसाइट्स, इनके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होता है। तो अब ये पीछे वाला पिक्चर देखिए और ये वाला पिक्चर देखिए, दोनों पूरा मैच हो गया, लेकिन ये एक्चुअल में ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि इसमें आपको सारी बातें बता रखी हैं कि किसका ओरिजिन माइलॉइड होता है और किसका ओरिजिन लिम्फॉइड होता है। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चाहे आप किसी भी फॉर्म में इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड होके इसको कुछ ऐसा ही नजर आना है। ओके, अब हम बात करते हैं एचएससी के सब पॉपुलेशन के बारे में। ओके, सब पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि क्या इनकी और भी पॉपुलेशन है, यानी हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल की क्या कोई और भी पॉपुलेशन है। तो देखिए, हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल इंक्लूड द मल्टीपल सब पॉपुलेशन, इसके पास मल्टीपल सब पॉपुलेशन है, दैट वैरी इन देयर क्वेश्चंस यानी रेस्टिंग फेज एंड द कैपेसिटी टू सेल्फ रिन्यू। तो हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स में जो सेल्स आते हैं उनमें भी थोड़े से टाइप्स अवेलेबल है, कुछ के पास रेस्टिंग कैपेबिलिटी भी होगी, कुछ के पास हायर तरीके से सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी भी होगी। उन्हीं में से एक आता है जिसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म एचएससी, यानी लॉन्ग टर्म एचएससी मतलब कि इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं एलटीएचएससी, आर द मोस्ट क्वेश्चंट एंड लॉन्ग लिव्ड। तो इसी में एक टाइप आता है, अगर हम यहां पे लिखना चाहें, इसी में एक टाइप आता है जिसे हम कहते हैं फर्स्ट टाइप, एचएससी में फर्स्ट टाइप आता है जिसे हम बोल रहे हैं एलटीएचएससी। एलटीएचएससी क्या होते हैं, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चंट एंड लॉन्ग लिव्ड होते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं दे आर मोस्ट क्वेश्चंट। ओके, नेक्स्ट क्या करते हैं, दे गिव राइज टू दी शॉर्ट टर्म एचएससी, और ये जो एलटीएचएससी है ये आगे चल के क्या करते हैं शॉर्ट टर्म एचएससी में फॉर्म होते हैं, यानी इनके आगे के जो डिसेंडेंट्स हैं एलटीएचएससी आगे चल के एसटीएचएससी फॉर्म करते हैं, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म एचएससी, विच कैन डेवलप इंटू मोर प्रोलिफरेटिव एमपीपीज, जो कि आगे चल के किस में बदल सकता है, ये बदल सकता है एमपीपीज में, और ये आगे चल के कन्वर्ट हो जाएगा एमपीपीज में। एमपीपीज क्या होते हैं, मल्टीपोटेंट प्रोजेनाइटर, यानी अगर हम बात करें तो पूल में से एचएससी निकला, उसने खुद को कन्वर्ट किया एलटीएचएससी में, एलटीएचएससी से कुछ सेल्स कन्वर्ट हो गए एसटीएचएससी में, और एसटीएचएससी जो है एमपीपीज में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो एमपीपीज होती हैं यही आगे चल के क्या करती हैं, यही आगे चल के माइलॉइड सेल्स बनाती हैं, जो अभी हमने जस्ट देखा माइलॉइड सेल्स या माइलॉइड प्रोजेनाइटर, और दूसरी क्या बनाती हैं लिम्फोइड प्रोजेनाइटर। तो ये हम बैक स्टोरी की बात कर रहे हैं, यानी अभी जो मैंने आपको स्टोरी बताई उससे पहले की स्टोरी ये है कि ये माइलॉइड सेल एंड लिम्फोइड सेल कैसे बनता है। तो हमने जब रिप्रेजेंटेशन किया था, अगर आप यहाँ पे देखना चाहें, तो हमने एचएससी से किया था,
नॉर्मली हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता रही हूँ कि एचएससी का ही एक टाइप होता है एलटीएचएससी, जिसका कन्वर्जन होता है एसटीएचएससी में, और एसटीएचएससी जो है एमपीपीज में कन्वर्ट होता है, क्योंकि भले इनका टाइप चेंज हो गया लेकिन है तो ये हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल ही। ओके, सो एचएससी आर इनरिच्ड अमंग द सेल्स दैट बियर नो मैच्योर दैट इज लीनियस स्पेसिफिक मार्कर्स बट एक्सप्रेस बोथ द सरफेस प्रोटीन दैट इज SCA1 एंड c-KIT। तो देखिए ये जो यहाँ पर HSC होती है, HSC मान लीजिए ये एक सेल है, तो इसके सरफेस पे क्या देखा जाता है कि एक मतलब कि एक पर्टिकुलर मार्कर, मार्कर क्या होता है, मार्कर होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। जैसे कि आपका कॉलेज का जो आईडी कार्ड होता है, जब आप उसको गले में पहन के रखते हो और मान लीजिए आप कॉलेज में एंटर कर रहे हो, तो आपके कॉलेज का जो गेट कीपर होगा वो आपको रोकेगा नहीं कि हाँ आईडी कार्ड दिखाओ, तुम इस कॉलेज के स्टूडेंट हो या नहीं हो। मान लीजिए अगर आपने उस आईडी कार्ड को छुपा के रखा है, अपने जेब में रखा है, तो जब आप कॉलेज के एंट्री गेट से एंटर लोगे तो वो गेट कीपर आपसे पूछेगा कि यस आईडी कार्ड दिखाओ। तो बिल्कुल वैसे ही, तो ये जो मार्कर होते हैं ना वो किसी सेल का आइडेंटिफिकेशन मार्कर होते हैं, उसको पहचानने में मदद करते हैं। तो HSC के पास क्या देखा गया है कि इसके सरफेस पे एक मार्कर होता है जिसे हम बोलते हैं SCA1, ठीक है, और एक मार्कर होता है जिसे हम बोलते हैं c-KIT। लेकिन इसके सरफेस पे एक और मार्कर जिसे हम बोलते हैं lin1 नहीं पाया जाता है, तो हम कहते हैं नो lin1। तो ये जो HSC होते हैं एक्चुअल में इनके लिए हम क्या कहते हैं, दे आर lin- SCA1 प्लस एंड c-KIT प्लस, यानी इनके पास लिन जो है, लिन यहां पर नहीं है, सॉरी इट शुड बी लिन नॉट लिन वन, ओके बाय मिस्टेक आई हैव रिटन वन, सो इट इज अ लिन, ठीक है। तो लिन इनके पास नहीं होता, तो हम कहते हैं इसको कि दीज HSC आर लिन माइनस SCA1 प्लस एंड c-KIT प्लस, यानी अगर इन सेल को आइडेंटिफाई करना हो, और मान लीजिए आपको कोई सेल दिया गया है जिसके ऊपर लिन नहीं है, SCA1 मार्कर है और c-KIT मार्कर है, तो आप समझ जाओगे यानी वो क्या है, वो एक टाइप का हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल है। अब ये जो सरफेस मार्कर होते हैं वो क्या होते हैं, वो कोई प्रोटीन होते हैं जो कि सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। अगर वो प्रेजेंट है तो हम प्लस लिखते हैं, अगर वो एबसेंट है तो हम माइनस लिखते हैं, यानी हम प्रोटीन कह लें, इट मे बी प्रोटीन और फैक्टर, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि अगर वो प्रेजेंट है, इफ दे आर प्रेजेंट, हम कौन सा साइन यूज करते हैं, प्लस का, एंड इफ दे आर एबसेंट तो हम जो साइन यूज करते हैं वो करते हैं माइनस का। तो हमने लिन के आगे माइनस यूज किया है, इसका मतलब क्या है, इस सेल के ऊपर लिन नहीं है, SCA1 है और c-KIT है, ठीक है। तो इस ढंग से हम इसको इस ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, LSK। तो इस HSC सेल को जिसके पास लिन माइनस है, SCA1 प्लस है एंड c-KIT प्लस यहाँ पे इनके पास है, तो उसको हम बोलते हैं LSK सेल्स। तो इस ढंग से हम इनकी नेमिंग करते हैं। तो ये जो सारी की सारी कन्वर्जन हो रहे हैं, लाइक हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल का कन्वर्जन किसी और टाइप के सेल में हो रहा है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, देखिए देर आर सो मेनी डिफरेंट जीन्स, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करने के लिए देर आर सो मेनी डिफरेंट जीन्स, एक्चुअल में वो अपना रोल प्ले करती हैं। तो कुछ एक आध एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, जैसे कि पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल, जिसको कि मैंने नाम दिया है GATA2, ठीक है। GATA2 क्या है, ये एक टाइप का ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर है, यानी ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है। इसका मेनली काम क्या होता है कि जो भी हिमाटोपोएटिक लीनिएज होता है उसको आगे बढ़ाना, यानी एक हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल जो है वो आगे चल के और लीनिएज या और टाइप बनाएगा, उस टाइप को बनाने में मदद करता है GATA2। देखा यह गया है कि अगर कोई एनिमल में या अगर कोई ऑर्गेनिज्म में GATA2 अगर एबसेंट है तो वो ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम में ही डेथ हो जाता है, यानी उसकी लाइफ आगे नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि जो वेरी स्टार्टिंग ऑफ द टाइम में जो चीजें करवाने का काम है वो GATA2 करता है, दैट इज हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल के लीनिएज को आगे बढ़ाने का काम करता है GATA2, ठीक है। सेकेंड अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो इसमें आता है BMI1। BMI1 क्या करता है, ये हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल का जो सेल्फ रिन्यूअल फॉर्म था, यानी अपने जैसे एक और को बनाना ताकि स्टेम सेल पूल मेंटेन हो, उस कैपेबिलिटी में ये मदद करता है, यानी BMI जो है सेल्फ रिन्यू करवाने में मदद करता है। तो ये भी देखा गया है कि अगर एक एनिमल में या अगर एक ऑर्गेनिज्म में BMI काम नहीं कर रहा है तो उस ऑर्गेनिज्म का डेथ 2 महीने के अंदर अंदर ही हो जाता है आफ्टर बर्थ, यानी बर्थ लेते ही वो ऑर्गेनिज्म 2 महीने के अंदर अंदर ही उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि अगर सेल्फ रिन्यू नहीं होंगे स्टेम सेल तो उनका पूल मेंटेन नहीं होगा, और जितना भी सेल प्रेजेंट है वो एक बार डिवाइड करके डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और अपने जैसे कोई और नहीं बना पाएगा और वो पूल में सेल की कमी हो जाएगी। थर्ड एग्जाम्पल की हम बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं
ठीक है, इकैरोस। इकैरोस भी एक ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर है, लेकिन इसका काम सिर्फ और सिर्फ लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल को बनाने का होता है, यानी माइलॉइड सेल जो बनते हैं उनमें इकैरोस का एक्सप्रेशन नहीं देखा जाएगा। इकैरोस सिर्फ और सिर्फ काम करता है लिम्फोइड प्रोजेनिटर को काम करवाने। अगर देखा जाए कि किसी एनिमल में इकैरोस का एब्सेंस है तो वो ऑर्गेनिज्म में एक्चुअल में इम्यून रिस्पॉन्स फुल्ली जनरेट नहीं हो पाता है। तो इकैरोस नाम का अगर ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर किसी ऑर्गेनिज्म में अगर काम नहीं कर रहा है तो देखा यह जाता है कि उस ऑर्गेनिज्म में इम्यून रिस्पॉन्स प्रॉपरली नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल का ओरिजिनेशन नहीं हो पाता है। जो फोर्थ टाइप के सेल है उसका नाम है क्या, PU1। PU1 का काम होता है माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल को ओरिजिनेट करना। तो देखिए, इकैरोस का काम था लिम्फोइड प्रोजेनिटर को ओरिजिनेट करना और PU1 का काम था माइलॉइड का लाइक माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल को ओरिजिनेट करना। तो ये सारे के सारे ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर अलग अलग बेसिस पे काम कर रहे। GATA2 जो है लीनिएज को मेंटेन कर रहा था, ठीक है, लीनिएज को मेंटेन कर रहा था हिमाटोपॉटिक स्टेम सेल का। BM1 जो है सेल्फ रिन्यू करवाने में मदद कर रहा था। इकैरोस का काम था लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल का ओरिजिनेशन करवाना एंड PU1 का काम था माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल को ओरिजिनेट करवाना। अब हम जरा सा इसके पाथवे को देख लेते हैं, ये होता कैसे। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं इनका कन्वर्जन होता है शॉर्ट टर्म हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल, एंड फाइनली ये जो शॉर्ट टर्म हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल है वो कन्वर्ट हो जाते हैं MPP में। ठीक है, ये जो कन्वर्जन होता है एक्चुअल में यहाँ पे बहुत सारे जीन्स काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे जितना भी कन्वर्जन हुआ है इसमें बहुत से जीन्स काम कर रहे होते हैं, जैसे कि हो गया यहाँ पर GATA1, ये सब ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर है। इसके अलावा हो गया MEIS1, PU.1, इसके अलावा हो गया PLE1 एंड देर आर मैनी मोर। ठीक है, और भी बहुत से ऐसे जीन्स होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। अब ये जो MPPs हैं ये कैसे काम करते हैं, तो देखिए यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सी सारी की सारी स्टोरी जुड़ जाती है। हम पहले ये एक लीनिएज लेते हैं फिर ये एक लीनिएज लेते हैं। ओके, एमपीपी में को अगर PU.1 साथ ही साथ GATA1 अगर ये दोनों मिल जाता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, या फिर जब ये प्रेजेंट रहते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है माइलॉइड में। ठीक है, अभी बताया था PU1 माइलॉइड ओरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है माइलॉइड प्रोजेनिटर में। ठीक है, और अगर एमपीपी को क्या मिल गया, इकैरोस, या फिर इसको मिल गया GATA3, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है लिम्फोइड में, लिम्फोइड प्रोजेनिटर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या होता है, अब यहां से कन्वर्जन किसी और बेसिस पे भी स्विच करता है। जैसे कि अगर माइलॉइड को GATA1 मिलता है, अगर GATA1 इसे रेगुलेट करता है या GATA1 मिलता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है रेड ब्लड सेल्स में। ठीक है, और अगर इसको PU.1 या फिर EBPA मिल जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्रैनुलोसाइट्स में, ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनिटर। ठीक है, तो हमने ये सारा स्टोरी देख रखा है लेकिन हमने जीन नहीं पढ़ा था कि कौन सी जीन इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होती है। अभी मैं आपको जीन्स भी बता रही हूँ। ओके, नेक्स्ट देखिए लिम्फोइड के केस में क्या होता है, लिम्फोइड के भी दो टाइप होते हैं, टी सेल एंड बी सेल, अगर जनरल देखा जाए तो, वरना इनमें एनके सेल्स भी होते हैं। अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन होता है नॉच का, नॉच वन का एंड GATA3, तो इसका कन्वर्जन हो जाता है टी सेल प्रोजेनिटर। और अगर लिम्फोइड प्रोजेनिटर के बाद कौन काम करने लगता है, PU.1, PAX5 एंड EBF, अगर ये काम करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है बी सेल प्रोजेनिटर। ओके, तो इस ढंग से हमने ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन भी देख लिया कि कौन सी चीजें कैसे काम कर रही हैं, एवरीथिंग हमने यहाँ पर चेक कर लिया। तो देखिए, हमने बहुत से जीन्स के बारे में बात किया है, यहाँ पे कौन कौन से जीन इंपॉर्टेंट है मैं एक बार आपको बता देती हूँ ताकि आप फोकस उसी एरिया पे करो। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है ये दो जीन PU1 एंड इकैरोस 1। ठीक है, PU1 तब जरूरत पड़ता है जब इसको कन्वर्ट होना होता है माइलॉइड में, एंड इकैरोस तब काम करता है जब इसको कन्वर्ट होना होता है लिम्फोइड में। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि नॉच एक्चुअल में कब काम करता है, नॉच वन कब काम कर रहा होता है, जब टी सेल प्रोजेनिटर के लिए जाते हैं। तो ये तीन पॉइंट थे, ठीक है, ये तीन पॉइंट थे जो कि आपको अच्छे से याद रखना है, माइट भी इससे आने वाले टाइम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने एक टेबल रखा है जिसमें कि आपको एक बेटर ढंग से आइडिया मिल रहा है कि कौन से पोर्शन में कितना परसेंटेज प्रेजेंट रहता है, उनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है। जैसे कि माइलॉइड सेल्स आपको पता है कि ये रेड ब्लड सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ होती है 120 डेज की होती है। प्लेटलेट्स में ये कन्वर्ट हो सकते हैं जिसकी लाइफ 5 to 10 डेज होती है। इसके अलावा ये
न्यूट्रोफिल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो कि 50-70% ऑक्यूपाई करके रखता है ऑफ टोटल WBC, और इसकी जो लाइफ होती है वो 6 आवर्स से लेकर 2 डेज तक की होती है। मोनोसाइट जो है 2-12% ऑक्यूपाई करके रखता है ऑफ टोटल WBC, और इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो होती है डे टू मंथ। इओसिनोफिल्स 1-3% ऑक्यूपाई करके रखता है ऑफ टोटल WBC, और इसकी लाइफ होती है 5-12 डेज। बेसोफिल्स जो होता है लेस देन 1% ऑक्यूपाई करके रखता है ऑफ टोटल WBC, और इसकी लाइफ आवर्स टू डेज में रह सकती है। मास सेल का भी सिमिलर कंडीशन, इट इज ऑक्यूपाइंग दी लेस देन 1% ऑफ टोटल WBC, और इसकी लाइफ आवर्स टू डेज तक वैरी कर सकती है। लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं तो लिम्फोसाइट 20-40% ऑक्यूपाई करके रखते हैं टोटल WBCs का, और इनकी लाइफ जो है डे से लेकर ईयर तक हो सकती है। लिम्फोसाइट में भी टी लिम्फोसाइट चले आते हैं, बी लिम्फोसाइट चले आते हैं। टी लिम्फोसाइट 7-24% ऑक्यूपाई करके रखते हैं, एंड बी लिम्फोसाइट 1-10% ऑक्यूपाई करके रखते हैं। तो इस ढंग से हमने पूरी कहानी समझ ली कि ल्यूकोसाइट्स का मतलब ये हो गया WBC, WBC को ही हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। तो यहाँ जो परसेंटेज दे के रखा है, क्योंकि हमें अब मतलब नहीं है RBC से या प्लेटलेट से, क्योंकि वो हम ब्लड फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक्चुअल में जितने भी WBCs हैं वो हमारे फोकस वाले एरिया हैं इन केस ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो इसलिए हम सभी की सभी चीजें, ये जितना भी पोर्शन यहाँ पे लिखा है ना, अगर हम देखना चाहें, ये जितना भी पोर्शन लिखा है, ये पूरा का पूरा पोर्शन यहां से लेके पूरा यहां तक, ये सारा का सारा WBC है, WBC का पार्ट है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ल्यूकोसाइट्स कह रहे हैं। और इसी WBC में से किसने कितना परसेंटेज ऑक्यूपाई करके रखा है ये मेंशन है, साथ ही साथ उनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है ये भी यहाँ पे बता के रखा है। सो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।